मैं बॉक्स लगा रहा था, अब ये बच्चे जो है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए यार इसकी पोर्ट माशाल्लाह फुल हो, ये सारे खुला एवरी बना दिए, खुली है माशाल्लाह, सारे डब्बे जो मेरे पास पड़े थे ना लग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फारूक और आप देख रहे हो पटी यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। व्लॉग शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अच्छा यार दोस्तों, आज मैं ऊपर जा रहा हूँ, सारी केजेस बाहर निकालने हैं, खुली एवरी बना देनी है। ऊपर भाई ऑलरेडी काम लगे हुए हैं, तो चलते हैं ऊपर छत के ऊपर और जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ले जी दोस्तों, सारा कुछ बाहर आ गया है, अब इंशाल्लाह अंदर सारी सेटिंग करते हैं नए तरीके से। जानवरों को मैंने, परिंदों को सारा खुला छोड़ दिया है, अभी चलते हैं अंदर भी, मैं आपको माहौल दिखाता हूँ। यार मैंने आज ना उठ के सुबह पहले यही काम किया, ये देखें ये सारे खुला एवरी बना दिए, खुली एवरी। यहाँ पे बर्ड की सिचुएशन देखिए, ये देखें माशाल्लाह सारे यहाँ पे हैं, और कुछ ये है और कुछ ये है, ये देखिए, ये देखिए इसको क्या हुआ, ये भी मैंने खड़े हैं। सारे बर्ड जो है ना मैंने ओपन कर दिए हैं, ताकि यार अब जो है ना इनको खुला ही माहौल दें, जरा खुली एवरी बनाए। अब बारी है यार ये डब्बे, मैं इंशाल्लाह ये सामने सारे डब्बे लगा देता हूँ और यहाँ पे कुछ उनके झूले लेने के लिए भी चीज़ें लगा देते हैं, ताकि यार ये अब मस्ती करें फुल माहौल। अच्छा दोस्तों, ये सारे सुराख हो गए हैं, मैंने क्लंप लगा दिए, अब मैंने ना डब्बे लगाने शुरू कर दिए। ये देखें अब यहाँ से तरतीब, यहाँ पे वहाँ तक डब्बे लगेंगे, ऊपर भी ये सारे डब्बे लग जाएंगे। अच्छा दोस्तों, मैं बॉक्स लगा रहा था तो एक डब्बे में ये देखें यार माशाल्लाह, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब यार ये मसला बन जाएगा इनको, ये देखें, ये देखें, अब ये बच्चे जो है ना ये अब पालने मुश्किल हो जाएंगे। एक बच्चा वो है, वो देखें, ये देखें कैसे लेटा हुआ यार, इन बच्चों को अभी यार मेरे हिसाब से ना हमें हैंड फीड ही करवानी पड़नी है, और इनको मैं ज़रा ना किसी और चीज़ में रखता हूँ, और इस डब्बे को मैंने लगाना है दोबारा से, तो फिर इसको देखते हैं क्या करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, इनके लिए ना ये मैं खरगोशों की फ़र थी बड़ी नरम सी, ये डब्बी में डाल के लाया हूँ यहाँ पे, और इनको ना इन दोनों बच्चों को निकाल के ना इसमें रखते हैं और फिर इनको नीचे लेके चलेंगे और इनको फीड करवाएंगे किसी तरह। ये देखिए अभी, ये देखिए फीड के लिए ये मुँह खोल रहे हैं, ये चेक करें जरा, ये देखिए यार इनको ना अभी मैं इस जगह पर रखने लगा हूँ, नरम नरम जगह पर, और इसको भी यहाँ से उठाऊँ ज़रा। ये देखिए यार बड़े नाजुक से बच्चे हैं यार, ये चेक है, ये देखें इसकी तो पोर्ट मुझे फुल लग रही है अभी, इसके माँ बाप ने इसको फीड करवाई हुई है, और ये जो है ना ये वाला इसकी पोर्ट खाली है, और इसको किसी तरह ना बाहर जाके ना नीचे जाके तो इनको फीड करवाएंगे। अभी इनको यहाँ पर रहने देते हैं, ताकि अभी थोड़ी देर आराम करें, जितनी देर मेरा काम नहीं ख़त्म होता इतनी देर ना, इनको फिर बाद में इनको फीड करवाएंगे। ले जी दोस्तों, माशाल्लाह कितने डब्बे लग गए हैं, और अभी कुछ लगने वाले हैं, वो भी मैं साथ साथ लगाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ले जी दोस्तों, ऑलमोस्ट सारे डब्बे जो मेरे पास पड़े थे ना लग गए हैं, कुछ यहाँ पे लग गए हैं, कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे लग गए हैं, और अब बारी है जी यहाँ पे स्टिक्के लगाने की। स्टिक्के ये पड़ी हुई हैं, मैंने सुराख करने शुरू कर दी यहाँ पे, ये ड्रिल मशीन के साथ इसमें सुराख ही है, और इसमें ये तार जो मैं लगाया हूँ ये वाली, ये लगा के तो यहाँ पे लटकाते हैं यहाँ पे किसी तरह, ताकि ये ना मज़े में, अब ये देखे तारों पे चढ़े हुए हैं, तो ये जो है ना बर्ड फिर वो सोटियों पे चढ़ेंगे स्टिकों पे, तो अभी मैं लगाता हूँ ये, फिर आपको दिखाते हैं सही तरह से। ले जी दोस्तों, थकावट हो गई है मगर ऑलमोस्ट ये देखें काम ख़त्म हो गया, खुली एवरी हो गई है, खुले बर्ड्स हो गए हैं, ये देखें घूम फिर रहे हैं मज़े में है, और अभी सिर्फ ना स्टिकें लगने वाली रह गई हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में या शाम को या सुबह लगा दूंगा, क्योंकि अभी यार थकावट हो गई है, अभी धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए बाकी ये सारे बर्ड्स अभी यहाँ पे हैं, अभी आस्ता आस्ता इनको आदत होगी केज में। बाकी यार फिंचेस का भी जो ये है ना केज, इसकी भी सफाई सुथराई कर दी है, तो ये भी माशाल्लाह मामला सही हो गया है। ये देखें यहाँ से बिल्कुल खुली बड़ी एवरी बन गई है। अच्छा दोस्तों, ये अब बारी है, ऊपर से मैं फारिग हो गया हूँ, तो यार ये बच्चों को ना, ये सीरीलैक्स मेरे पास पड़ा था, तो इसको मैंने चम्मच में थोड़ा सा ना मिक्स किया, अब इनको मैं खिलाता हूँ सीरीलैक्स, यार अल्लाह करे ये पल जाए। ये देखें, ये माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये देखें, वो देखें इसकी पोर्ट भी अब भारी हो रही है, वो देखें ज़रा, ये देखें अभी इसको और करवाते हैं थोड़ी सी चीज़, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह।
किधर भाग रहा है यार? ये देखे यार, इसकी पोट माशाल्लाह फुल हो गई है। इसको थोड़ा सा देखते हैं और खाता है तो फिर इसको और खिलाएं जरा। आ जा यार, तुझे और खिलाए थोड़ा सा ताकि फिर शाम को तुझे फीड करवाऊंगी। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले मेरा बच्चा, ये ले। ओ यार देखो, माशाल्लाह 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 है। इसकी दोस्तों पोट देखे फुल हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा साफ करके ना इसको ना रूई में रखते हैं। चल तू इधर ऐसे आ जा भाई, तेरी बारी, आ जा ऐसे। ये देखो दोस्तों, अब इसकी बारी आ गई है और इसको भी अभी भूख लगेगी। ये देखो, भूख लगी। ये देखो दोस्तों, अब हम सही आ रहा है कि नहीं? आ रहा सही। इधर से बना दे। चल अभी इसको ना रहने देने। अच्छा दोस्तों, इसको रहने देते हैं। ये ना अभी इसका पेट थोड़ा सा फुल है। अभी जब फुल भूखा होगा ना तो फिर इसको ना फीड करवाएंगे। अभी फिलहाल इसके ना, इसका जो मुझे लग रहा है ना, इसका पेट अभी, ये देखें, ये पोट है इसकी अभी फुल है। ये मदर फीड करवाई हुई थी मदर ने, तो अभी मैं इसको रखने लगा हूँ दोबारा से। जब ये पोट खाली हो जाएगी ना फिर इसको और खिलाएंगे। अभी उसकी तो फुल होगी, अब इसको भी रखते हैं इधर इसके अंदर। अब मज़े में ऐसे सो जाओ। ये देखें दोस्तों, ये देखिए, अब ये मज़े में सोएंगे और अभी सोते हैं ये दोनों। तो इनको साइड पे रख देते हैं। यार अल्लाह करे पल जाए इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि हम लोग अगर इसी तरह फीड करवाते रहे ये पल जाएंगे। नहीं दोस्तों, आज का ब्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।